नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधि शशि। सुबह 6 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुंबई से आई एक हादसे की खबर से। मुंबई के भाईकुला इलाके में बीती रात भीषण आग लग गई है। आग भाईकुला के मशहूर टिम्बर मार्केट में लगी थी, जिसमें करोड़ों की लकड़ियां जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक आग देर रात करीब 2 बजे लगी। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग काफी मशक्कत के बाद काबू कर सकी। हालांकि आग कैसे लगी अभी ये साफ नहीं हो पाया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त आग लगी, कैसे इस आग ने भयंकर रूप अख्तियार कर लिया। 8 गाड़ियां दमकल की पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद पूरी रात इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हालांकि खबर यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन पूरा माल इस गोदाम में रखा खाक हो गया। ये टिम्बर मार्केट है, बहुत मशहूर मार्केट है भाईकुला इलाके की मुंबई के, जहां पर ये आग लगी। हालांकि कैसे ये आग लगी है ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आग की चिंगारी जब भड़की तो देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे गोदाम को इस आग ने अपनी जद में लिया और खाक कर दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के भाईकुला इलाके में, जहां देर रात एक भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। दरअसल ये इलाका भाईकुला का है, जहां पर टिम्बर मार्केट का ये इलाका है, जहां पर भारी मात्रा में लकड़ियां रखी गई हैं और इन्हीं गोडाउन में आग लगी बीती देर रात तकरीबन 2:15 बजे के करीब। और फायर ब्रिगेड को जैसे ही कॉल आया वो मौके पर यहाँ पर मौजूद हो गए। दर्जनों फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वाटर टैंकर्स के साथ, और आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे सैकड़ों कर्मचारी फायर कर्मचारी मौजूद हैं, वो आग को बुझाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। और आग तकरीबन 2 से 3 घंटे से ज़्यादा हो चुका और अभी भी यहाँ पर विकराल रूप धारण किए हुए हैं। आग बुझने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन जो फायर कर्मचारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार मशक्कत की जा रहे हैं, लगातार अपने जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि आग को जल्द से जल्द काबू किया जा सके और जो जान और मान हानि है उसे कम से कम रखा जा सके। अभी तक फिलहाल कोई किसी भी तरीके की जान हानि की खबर नहीं है, लेकिन करोड़ों का माल जलकर अंदर खाक हो चुका है और ये जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड की प्राथमिकता है कि इस आग को जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। कैमरा पर्सन हरीश सावंत के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई। तो नीलेश शुक्ला मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं ताजा जानकारी के साथ। नीलेश, क्या हालात है वो अपडेट दीजिए, और साथ ही आग कैसे लगी ये पता लग पाया क्या? ये प्रवीण आपको बता दें, ये आग जो कि मुस्तफा बाजार में लगी है, मशहूर टिम्बर मार्केट है, जिसे तकरीबन 100 साल पुराना बताया जाता है और यहाँ पर तकरीबन 300 से ज्यादा दुकानें हैं। टिम्बर मार्केट के जो कंसाइनमेंट है वो डेली तकरीबन यहाँ पे 50 कंसाइनमेंट आते हैं अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से। इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कीमती सामान अंदर रखा जाता है। कई जो दुकानदार हमें वहाँ मिले उनका कहना था कि उसमें उनका 50 लाख से ज्यादा का सामान हमेशा रखा रहता है और जो डेली कंसाइनमेंट आते रहते हैं उसका जो आज नुकसान होगा वो अलग। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर तकरीबन करोड़ों का माल चलकर खाक हो चुका है, लेकिन जो गनीमत की बात रही है अभी तक की आग पर काबू काफी हद तक पा लिया गया है। और जो एक बड़ी बात है कि इसमें अभी तक किसी की भी जान हानि की खबर नहीं है, लेकिन क्योंकि कूलिंग ऑपरेशन अभी लगातार जारी है, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी और दमकल विभाग की गाड़ियां अभी भी मौके पर मौजूद हैं और आग को पूरी तरह बुझाने में लगी है, जिसके बाद वापस ऑपरेशन फिर से एक बार चालू किया जाएगा। ठीक है नीलेश, आगे भी फिर आपसे हम जानकारी साझा करेंगे। गनीमत की बात यही है कि कोई जानमाल का नुकसान इसमें नहीं हुआ, लेकिन गोदाम में रखा सारा का सारा सामान जलकर खाक हो गया।